बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। एक इंतहाई अहम केस सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का फैसला आ चुका है और इसके फैसले के बाद बहुत से शक व शुबात लोगों के पैदा होना शुरू हो गए हैं। कोई इमरान खान की नाअहली के बारे में पूछ रहा है, कोई जहांगीर तरीन की नाअहली के बारे में पूछ रहा है, कोई नवाज शरीफ की नाअहली के बारे में पूछ रहा है कि ये इस फैसले का इतलाक उनके ऊपर होगा या नहीं होगा। इस केस को मैं आपको सही तरीके से समझा देता हूँ कि ये इसका जो फैसला है वो क्या है और किस तरीके से और माजी के अंदर और मुस्तकबिल के अंदर जो भी चीज़ें चल रही हैं उनका इस फैसले से के बाद उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा। एक तो मैं आपको बता दूं कि जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है वो 15 रुकनी फुल कोर्ट था, तो 10-5 से ये फैसला आया है कि ये एक आईन का हिस्सा बन चुका है और पार्लियामेंट की बालादस्ती कायम हो चुकी है और पार्लियामेंट इस हवाले से कानून साजी कर सकती है। एक शिक उसके अंदर उड़ाई गई है और शिक का जो मकसद ये था कि इन फैसलों का यानी कि जो कानून साजी है इसका इतलाक माजी से होगा, जबकि फैसले में ये कहा गया है कि इस फैसले का इतलाक माजी से नहीं होगा और इसके ऊपर भी अलग से जजेस ने अपनी काउंटिंग दी और 8-7 से ये फैसला आया कि माजी के अंदर जितने भी केसेस हैं उस हवाले से एक इख्तलाफ राय पाया जाता था कि ये केसेस बहुत ज्यादा हैं या केसेस बहुत कम हैं, तो ये फैसला किया गया कि माजी के अंदर जो भी फैसले हो चुके हैं उनके ऊपर इस फैसले का इतलाक नहीं होगा। तो उसके बाद सबसे पहला सवाल ये आता है कि क्या जहांगीर तरीन और नवाज शरीफ के लिए दरवाजे बंद हो गए हैं, वो नाअहल ही रहेंगे और क्या नून लीग की मिठाइयां वापिस हो गई हैं। तो इस हवाले से मैं आपको बता दूं कि बेशक इस सुप्रीम कोर्ट से इनको कोई रिलीफ नहीं मिला, लेकिन एक अमेंडमेंट की थी नेशनल असेंबली के अंदर और बिल पास किया था जिसके मुताबिक जून 2023 के अंदर किया था 25 जून को, तो उसके अंदर डिस्क्वालिफिकेशन का जो पीरियड है उसको 5 साल कर दिया गया था और उससे नवाज शरीफ जो है उस बेनिफिट हो सकते हैं। अब इसके अंदर और भी ऐसी बहुत सी चीजें हैं, वो ये है कि जब नवाज शरीफ आएंगे और वो वज़ीर आज़म के लिए अपने इलेक्शन में जाना चाहेंगे और डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा करवाएंगे तो ये केस यकीनी तौर पे चैलेंज होगा इलेक्शन कमीशन के अंदर और उनके खिलाफ दरख्वास्तें दी जाएंगी और फिर अदालतों के अंदर ये मामला चलेगा और इसका बड़े बड़े कानूनी माहरीन जिनसे हमने ये डिस्कस किया उनका कहना यही है कि ये फैसला जो है ये वक्त ही करेगा कि इस कानून साजी को किस तरह इसकी अंडरस्टैंडिंग ली जाती है और किस तरीके से नवाज शरीफ की नाअहली को रोका जाता है। जाहिर सी बात है जब रोकना होता है तो इस मुल्क के अंदर सब कुछ रुक जाता है और जब नहीं रोकना होता तो फिर इसी तरीके से होता है। अब अगला सवाल यह है कि क्या इमरान खान की नाअहली के ऊपर भी इसका कोई इंपैक्ट हुआ है, तो बिल्कुल भी नहीं हुआ क्योंकि इमरान खान को जो सजा मिली है वो लोअर कोर्ट से मिली है, नवाज शरीफ को जो सजा मिली थी वो हायर कोर्ट से यानी सुप्रीम कोर्ट से मिली थी। सुप्रीम कोर्ट के बाद कोई भी जो अपील है उससे ऊपर कोई अदालत नहीं है तो वहां पे अपील नहीं हो सकती। हाँ ये हो सकता है कि 8 रुकनी बेंच है तो 10 रुकनी बेंच हो जाए, 10 रुकनी हो जाए तो 15 रुकनी हो जाए, लेकिन अब ये 15 रुकनी फुल कोर्ट का फैसला आ चुका है तो इसके ऊपर अब इन नवाज शरीफ को तो अपील का हक नहीं मिलेगा लेकिन इमरान खान अभी हाईकोर्ट में भी जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे तो उनके पास इस हवाले से एक काफी लंबा टाइम है और वो इससे जो है फायदा उठा सकते हैं। अब इस फैसले के बाद हुआ यह है कि 184/3 के ऊपर जो आज खुद नोटिस लिया जाता था वो अब सिर्फ चीफ जस्टिस नहीं लेंगे बल्कि जो 2 सीनियर तरीन सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनके साथ मिलकर उनकी मुशावरत से ये फैसला किया जाएगा। दूसरा 3 रुकनी बेंच जो है यानी कमेटी जो है यानी चीफ जस्टिस और 2 मोस्ट सीनियर जजेस वो ये फैसला करेंगे कि बेंच अब कैसे बनाने हैं, कौन सा बेंच बनाना है। ये अब ये नहीं होगा क्या जिस तरीके से कहा है जस्टिस अता बंदियाल अपनी मर्जी के बेंच हम ख्याल जजिस के बनाते थे वो बेंच बनेंगे, अब 3 रुकनी जो कमेटी है जजिस की वो ये फैसला करेगी। और आज हमने ये देखा कि सीनियर 3 जज यानी कि एक तो सरदार तारिक साहब है लेकिन वो चीफ जस्टिस शायद ना बन सके, वो उससे पहले रिटायर हो जाए, लेकिन जो जस्टिस एजाजुल एहसन है जो कि अगले चीफ जस्टिस हैं उन्होंने इस फैसले से इख्तलाफ किया और वो उन 5 जजेस में शामिल थे। उन 5 जजेस में कौन शामिल था, उसमें जस्टिस शाहिद वहीद भी शामिल थे, उसके अंदर जस्टिस आयशा भी शामिल थी, उसमें जस्टिस मुनीब भी थे, जस्टिस एजाजुल एहसन भी थे और जस्टिस
नकवी साहब भी थे उसके अंदर, मुजाहिर अली अकबर नकवी साहब भी उसके अंदर थे, इन पांच जजेस ने इसकी मुखालफत की है। तो अब ये चीजें जो है इस तरीके से जा रही हैं, और अब इसके अंदर ये है कि जो अपील है आज खुद नोटिस के ऊपर वो 30 दिन के अंदर दायर की जा सकती है, जबकि अपील 14 रोज में उसका मुकर्रर होना जरूरी होगा और वो अपील वहां पे मुकर्रर कर दी जाएगी। अब इसके अंदर तीन चीजें हैं जो अलग अलग तरीके से देखी गई। एक, एक्ट बरकरार रहेगा, बिल्कुल रहेगा, 10-5 से उसका फैसला आ गया। दूसरा जो शिक थी कि माजी से इसका इतलाक होगा या नहीं होगा, नहीं होगा, 8-7 से उसका फैसला आ गया। और अपील का हक आगे दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, 9-6 से वो फैसला आया कि मुस्तकबिल में इसके खिलाफ जो भी अपील आएगी फैसलों के खिलाफ उसको हक दिया जाएगा। तो ये सारी की सारी इस वक्त सूरत हाल है, और अब हम ये देख रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ लाल कलर का एक तरह से जोड़ा पहन के निकल चुके हैं पाकिस्तान के लिए, और वो जल्द पहुंच जाएंगे। लेकिन ये जो खबर है ये उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका करार दिया जा सकता है, क्योंकि अब वो अगर मगर की सूरत हाल में रहेंगे, बेशक इलेक्शन कमीशन का जो एक्ट है उसके अंदर तमीम करके उनकी नाहली को तकरीबन खत्म किया जा चुका है, 5 साल गुजर चुके हैं, लेकिन अभी भी इसके ऊपर काफी चैलेंजेस आएंगे और ये मामला अदालतों में घसीटा जाएगा। लेकिन एक बात मैं आपको और बता दूं कि मियां नवाज शरीफ की जो इस वक्त पार्टी में सबसे बड़ा मसला चल रहा है वो ये चल रहा है कि उम्मीद पाकिस्तान के नाम से जो उन्होंने एक जहाज बुक करवाया है त्यारा दुबई से, उसके अंदर किसने बैठना है, किसने फ्रंट सीट पे बैठना है, किसने बिजनेस क्लास में बैठना है, किसने पीछे बैठना है, किसने पाकिस्तान में इस्तकबाल करना है, किसने दुबई से वेलकम करके लेके आना है, तो इसके ऊपर भी एक बहुत बड़ी लॉबिंग शुरू हो गई है और अंदर एक बहुत बड़ी कशमकश चल रही है। इसके अलावा एक एतजाज अहसन ने बहुत बड़ी खबर दी है। एतजाज अहसन ने कहा है कि जनाब अगले 3-4 रोज के अंदर इमरान खान को सजा सुना दी जाएगी और एक लंबी सजा सुनाई जाएगी। ये सजा इसी तरह की सजा होगी जिस तरीके से मियां नवाज शरीफ को एवन फील्ड में 10 साल और एक दूसरे केस के अंदर 7 साल की यानी 17 साल की सजा सुनाई गई थी, इसी तरीके से इमरान खान को भी सजा सुनाई जाएगी। और उसके बाद फिर देखते हैं कि वो कितना अरसा अंदर रहते हैं और कितना अरसा बाहर रहते हैं, और उसके बाद अदालतों के अंदर उनके केस लड़े जाते हैं और वो किस तरीके से मामलात हल होते हैं। लेकिन एक चीज तय है कि इमरान खान को इलेक्शंस के अंदर अंदर रखने की तैयारी है और इलेक्शन के चंद माह बाद, 3-4 माह बाद उनको छोड़ने की प्लानिंग है। अब इस हवाले से ये खबरें भी आ रही हैं कि वो बल्ले के निशान पर उनकी पार्टी टिकट जो टिकट होगा वो बल्ले के नाम से होगा और इलेक्शंस के अंदर वो हिस्सा ले सकेंगे, लेकिन इस वक्त नजर ये आ रहा है कि इमरान खान के लिए चीजें मुश्किल होती जा रही हैं। और अगर कोई ये समझता है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनकी डील बहुत जल्द हो जाएगी तो ये एक इंतहाई मुश्किल बात है, क्योंकि हमने माजी में भी देखा कि मियां नवाज शरीफ हो या कोई और बेनजीर भुट्टो 5-5, 6-6 साल वो जिला वतनी काट के आए हैं, उसके बाद जाके कुछ मामला बेहतर हुए हैं। और मौजूदा लीडरशिप जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट की है उसके साथ किस हद तक मामलात खराब हुए हैं और जिस तरीके से इंटरव्यू आ रहे हैं ये आप समझ लें दिल्ली दूरस्थ अभी मामलात और अभी इमरान खान के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। आइंदा तक ले जा दीजिए, अल्लाह हाफिज़।